आज की वीडियो में जानेंगे कि बेस्ट स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करें। दोस्तों काफ़ी सारे लोग जो हैं स्ट्राइक प्राइस गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको लॉस हो जाता है। तो आपको लॉस नहीं करना है, आपको करना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट करने के लिए आपको स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना आना चाहिए। अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और अगर आपने ये नहीं सीखा ना कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा सेलेक्ट करें, तो समझ लीजिए दोस्तों आपने कुछ भी नहीं सीखा है। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस आपको सेलेक्ट करना आना चाहिए। अगर आपको वो नहीं आया ना, तो आप फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही आदत रहती है कि आपको कम पैसे वाला स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है और आपको वहाँ पर जो है वो प्रॉफिट दे देगा। लेकिन दोस्तों कम पैसे वाला स्ट्राइक प्राइस कब सेलेक्ट करना है, ये कंडीशन भी तो होती है ना। आपने 39,700 का 39,800 का यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लिया, मार्केट चल रहा है 39,400 के आसपास। तो दोस्तों ये स्ट्राइक प्राइस आपको प्रॉफिट कब देगा, ये आपको पता भी तो होना चाहिए। अब आपको पता ही नहीं है, बस आपने सस्ता प्रीमियम देखा, यहाँ पे 221 रुपये चल रहा है, 183 रुपये चल रहा है, और आपने इसको खरीद लिया, और उसके बाद मार्केट फिर यहाँ पे 400 से नीचे आ गया, 200 पे पहुंच गया, 250 पे पहुंच गया, ये प्रीमियम आपका यहाँ पे आधा हो जाएगा, आधे से भी कम हो जाएगा। और एक्सपायरी पे है तो समझ लीजिए फिर इसको जीरो होने में टाइम नहीं लगेगा, जीरो होने में टाइम नहीं लगेगा इसको। तो अब ये जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ इन द मनी का ही यहाँ पे प्रॉफिट देता है, ये भी जरूरी नहीं है। आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि कब आपको इन द मनी का सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये सब, ये यहाँ पे पुट वाले इन द मनी के ये हो गए हैं और ये आउट ऑफ द मनी हो गए हैं पुट के, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल के ये वाले आउट ऑफ द मनी हो गए हैं और पुट के, सॉरी यहाँ पे कॉल के ये वाले इन द मनी हो गए हैं और पुट के ये वाले आउट ऑफ द मनी हो चुके हैं। तो आपको दोस्तों पता भी तो होना चाहिए ना कि किस वक्त किस सिचुएशन बननी चाहिए। सिचुएशन बनेगी तभी आपको आउट ऑफ द मनी लेना है, सिचुएशन बनेगी तभी आपको इन द मनी लेना है। तो दोनों सिचुएशन मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, जिससे आपको ये पता हो जाएगा कि आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम कब आपको प्रॉफिट देगा और इन द मनी का प्रीमियम कब आपको प्रॉफिट देगा, जिससे कि आप यहाँ पे पता कर पाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपको कब कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है। मार्केट को देखना है, मार्केट में ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जिसको देखने के बाद हमें ये मालूम पड़ जाता है कि कब कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमें ज्यादा प्रॉफिट देगा या कब कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमें लॉस कम देगा और प्रॉफिट देने के चांस उसके ज्यादा रहेंगे। तो दोस्तों इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा यहां पे दोस्तों इंडिया विक्स के चार्ट पे। देखो दोस्तों इंडिया विक्स का चार्ट है ना, यहां पे इंडिया विक्स, ये देखो इंडिया विक्स को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आप देख लीजिए इंडिया विक्स कितने पे चल रहा है, यहां पे इंडिया विक्स चल रहा है दोस्तों यहां पे 15 के आसपास, 15 पे चल रहा है। देखो इंडिया विक्स अगर 15 से कम है, यानी मान लीजिए 12, 13, 14, 15, अगर इंडिया विक्स इतने पे है तब मार्केट दोस्तों इससे कम है ना, तो मार्केट में क्या रहेगा दोस्तों, मार्केट रहेगा साइडवेज, यानी कि मार्केट में कोई बड़ा मूव या बड़ा डाउन यहाँ पे आने वाला नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपका प्रीमियम डिके होगा, यहाँ पे सिर्फ आपका, मान लीजिए आपने कोई स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम ले लिया 100 रुपये पे और मार्केट इंडिया विक्स है यहाँ पे 14 रुपये पे, 13 रुपये पे, 12 रुपये पे है, तो ये 100 रुपये का प्रीमियम दोस्तों आपका ना, चाहे आप कॉल का लो या पुट का लो, यहाँ पे आपको इसमें बड़ा मूव नहीं मिलेगा। 120 रुपये, 30 रुपये नहीं पहुँचेगा, 150 भी नहीं पहुँचेगा, 200 भी नहीं पहुँचेगा, ये यहाँ पे इसका जो है ना, यहाँ पे ये 90 रुपये पे आएगा, धीरे धीरे 80 पे आएगा, 70 पे आएगा, 50 पे आएगा। साइडवेज मार्केट में अगर एक्सपायरी के टाइम ये वाला प्रीमियम आपका चल रहा है तो ये आपके प्रीमियम को आधा भी कर देगा, और एक्सपायरी का अगर दिन है तो एक्सपायरी पे ये इसको जीरो भी कर देगा, इसको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको इस वक्त में जैसे ये इंडिया विक्स चल रहा है 12-13 पे चल रहा है, 14 पे चल रहा है, इससे कम पे चल रहा है या इसी रेंज में चल रहा है, तो आपको साइडवेज मार्केट में ट्रेड ही नहीं करना है। इंडिया विक्स कितने पे चलना चाहिए, देखो इंडिया विक्स चलना चाहिए आपका यहाँ पे, इंडिया विक्स अगर मान लीजिए 15 से लेके, इंडिया वीक्स मान लीजिए 15 से लेके और 18, 15 से 18 के बीच में चल रहा है, यानी उससे ज़्यादा चल रहा है 15, 16, 17, 18, तब आप यहाँ पे इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करिए। तब मार्केट में 200-250 पॉइंट का मूवमेंट आता है, यानी कि आपके प्रीमियम को बढ़ा देता है, ये 100 रुपये का प्रीमियम आपका फिर 150 रुपये, 120-130 रुपये आपको मतलब प्रॉफिट देगा ही। लेकिन अगर इतने पे है, इस रेंज पे है, 15 से कम 14-13-12 पे है, और 12 पे जितना कम होगा ना मार्केट उतना ही ज़्यादा साइडवेज रहेगा, उतना ही वहाँ पे बड़ा कोई मूव नहीं आने वाला और पूरे दिन मार्केट आपका प्रीमियम को खा जाएगा। और अगर आप 15 से 18 के बीच में लेते हैं तो वो 100 रुपये का प्रीमियम आपका यहाँ पे 120 रुपये भी जा सकता है, 130 भी जा सकता है, ठीक है।
और 150 भी जा सकता है, तो वो यहाँ पे चांस मार्केट में बन जाते हैं आपके प्रीमियम को बढ़ाने के। लेकिन अगर आपने 12 13 14 पे ले लिया, तब वो प्रीमियम आपका डीके होगा, चाहे आप कॉल कर लो या पुट कर लो, आपका वो डीके ही होना है, आपको उसमें प्रॉफिट नहीं होना है। क्योंकि मार्केट में जब ना तो अपसाइड का मूव आएगा ना डाउनसाइड का मूव आएगा, मार्केट एक ही जगह पे कंसोलिडेट करेगा, वहीं पे साइडवेज रहेगा, ऐसे साइडवेज रहेगा मार्केट, और आपका यहाँ पे प्रीमियम डीके कर करके आपका सारा पैसा यहाँ पे खा जाएगा साइडवेज करके। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि इंडिया वीक्स को देखने के बाद कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए, कितने पे इंडिया वीक्स है तब कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको प्रॉफिट देगा, और कौन सा आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक प्राइस आपको प्रॉफिट देगा। यानी कि आपको ये अब जानना है कि इन द मनी प्रॉफिट कब देगा और आउट ऑफ द मनी प्रॉफिट कब देगा, ये जानना जरूरी है। यानी कि आपको सेलेक्ट कब करना है, अगर आप आउट ऑफ द मनी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिचुएशन बननी चाहिए, सिचुएशन बनेगी तभी आप यहाँ पे इन द मनी का सेलेक्ट करेंगे, सिचुएशन बनेगी तभी आप यहाँ पे आउट ऑफ द मनी का सेलेक्ट करेंगे। ये दोनों सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए तभी आप यहाँ पे प्रॉफिट कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं, मार्केट कितने पे चल रहा है, मार्केट चल रहा है 39,395, लगभग 400 के आसपास। अब इंडिया विक्स आपका यहाँ पर, इंडिया विक्स अगर आपका यहाँ पर 15 है, 15 से लेके 18 के बीच में है, उससे कम है तो आपको ट्रेड ही नहीं करना है। 15 से 18 के बीच में इंडिया विक्स होगा तभी आपको ट्रेड करना है, 12 13 14 होगा तो आपको ट्रेड नहीं करना है, मार्केट साइडवेज रहेगा उस दिन आपको ट्रेड ही नहीं करना है। यानी कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपको ट्रेड कब करना है, 15 से 18 के बीच में है तब आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है, इंडिया विक्स। इंडिया विक्स देखो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, इंडिया विक्स, इंडिया विक्स, इंडिया विक्स आपका यहाँ पे लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है लेकिन आप समझ जाना। तो इंडिया विक्स यहाँ पे आपका 15 से 18 के बीच में है तब आपको क्या करना है, 39,400 पे मार्केट चल रहा है आसपास, तब आपको 39,300 का और 39,200 का ये स्ट्राइक प्राइस आप सेलेक्ट करेंगे, 39,200 और 39,300 का, तब आपको ये वाला स्ट्राइक प्राइस प्रॉफिट देगा, चाहे वो कॉल का हो या पुट का हो, आपको इन द मनी का ही लेना है। तब आपके चांस ज़्यादा रहेंगे कि आपके जो ये इन द मनी के प्रीमियम है ये तेज़ी से बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने गलती से इंडिया विक्स 15 18 पे आपने 500 का 600 का या 700 का या 800 का, क्योंकि काफ़ी लोग गलती करते हैं, सस्ता प्रीमियम देख के वो उठा लेते हैं यहाँ पे सस्ते वाले प्रीमियम को। अब मार्केट 39,400 पे है, अब मार्केट मान लीजिए 39,400 से मार्केट 39,500 पे 100 पॉइंट मूव भी कर गया, ठीक है, ये प्रीमियम आपका कितना बढ़ेगा, ये प्रीमियम आपका उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर ये इन द मनी वाला प्रीमियम है ना, ये 416 पे है तो 485 शिफ्ट हो जाएगा, 485 वाला है तो ये इसके ऊपर 500 प्लस पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये प्रीमियम आपका बढ़ेगा 100 पॉइंट का अगर मार्केट में मूव आएगा तो, ठीक है, 100 पॉइंट का, 200 पॉइंट का आएगा तो ये और तेजी से बढ़ेगा। लेकिन ये 39 मान लीजिए 39,800 का प्रीमियम है, इसको बढ़ने के लिए मार्केट को कहाँ तक जाना पड़ेगा, मार्केट को जाना पड़ेगा 39,400 से 39,800 पे, यानी कि लगभग प्लस 400 पॉइंट इसको यहाँ पे ऊपर जाना पड़ेगा। अब ऊपर जाने के लिए इंडिया विक्स तो 15-18 पे है, तो 15-18 पे है तो मार्केट में वोलेटिलिटी है नहीं, यानी कि मार्केट इतना तेज़ी से बढ़ेगा भी नहीं, ठीक है, और इतनी तेज़ी से कम भी नहीं होगा, तो 400 पॉइंट मार्केट जब बढ़ेगा ही नहीं तो आपने इन द आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम क्यों लिया, ये बढ़ना ही नहीं है तो ये तो आपका फिर आपका यहाँ पे डीके होगा और आपको इसमें लॉस हो जाएगा, आपको इसमें लॉस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 400 पॉइंट मार्केट बढ़ना ही नहीं है, यानी कि आपको इंडिया वीक को देखने के बाद पता चल जाता है कि मार्केट यहाँ पे कितना पॉइंट बढ़ सकता है, कितना जा सकता है, वोलेटिलिटी मार्केट में है या नहीं है, तो ये जब 400 पॉइंट ही नहीं बढ़ेगा तो आपने यहाँ पे आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम क्यों सेलेक्ट किया, 700 वाला भी नहीं बढ़ेगा, 600 वाला भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये 100 150 200 पॉइंट में खेलेगा तो यहाँ पे आपका आउट ऑफ द मनी वाला प्रीमियम इतनी तेजी से बढ़ेगा नहीं, और ये आपका डीके करवा के आपको लॉस भी दे देगा। और मान लीजिए मार्केट उससे नीचे गिर गया, ये 39,400 पे मार्केट 39,300 पे 100 पॉइंट गिर गया, तो ये प्रीमियम आपका यहाँ पे 183 रुपये चल रहा है ना, ये यहाँ पे आपका आधा हो जाएगा, ये यहाँ पे आपका आधा हो जाएगा, 50% ये प्रीमियम यहाँ पे डाउन हो जाएगा 100 पॉइंट में भी, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी का है। आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम अगर आपने ले लिया और आपके फेवर में नहीं आया, नेगेटिव जाता है ना, तो फिर वो आपके प्रीमियम को बहुत तेज़ी से डिगे करेगा और नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर आपने इन द मनी का ले रखा है और वो 50-100 पॉइंट 200 पॉइंट में नीचे गिरता है तो वो आपका आधा नहीं होगा, वो आपका 10-20-30% इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो ये प्रीमियम आपके इन द मनी के जो है ना वो कम यहाँ पे डिके होंगे, यानी कम गिरेंगे, इसमें आपको लॉस कम होगा।
लेकिन अगर आपने आउट ऑफ द मनी ले लिया तो वो आपका वहाँ पे 50% 60% 70% तक डाउन हो जाता है, और एक्सपायरी पे लिया है तो एक्सपायरी भी तो भाई ये जीरो भी हो जाएगा, 10 रुपये 5 रुपये तो वो जीरो लगा लीजिए उसको, तो वो जीरो भी हो जाएगा। तो ये तो हो गया 15-18 के बीच में अगर इंडिया विक्स चल रहा है तो आपको इन द मनी का ही प्रीमियम लेना है, जैसे कि 39,400 पे चल रहा है मार्केट तो 39,200 और 39,300 या उससे ऊपर का भी ले सकते हैं, वो महंगा पड़ जाएगा आपको, लेकिन आप इन द मनी के ऊपर के दो प्रीमियम को सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गया, आप समझ गए ना आप कि इन द मनी कब लेना है। अब जानते हैं कि आउट ऑफ द मनी कब आपको प्रॉफिट देगा। देखो ये लोग, ये जो सवाल है ना ये आपके मन में हमेशा आता होगा कि आउट ऑफ द मनी ले लेते हैं और आपने ले भी लिया और आपको प्रॉफिट नहीं, फिर आपको लॉस देके जाता है, कभी भी वो प्रीमियम आपका आता नहीं है। तो सिचुएशन तो बननी चाहिए ना भाई, सिचुएशन बनेगी तभी तो लेना है, लेकिन सिचुएशन बनने के लिए आपको पता होना चाहिए। तो पता कैसे चलेगा, इंडिया विक्स मैंने आपको बताया ना, इंडिया विक्स ये रहा यहाँ पे इंडिया विक्स। अब अगर ये इंडिया विक्स यहाँ पे मान लीजिए, ये इंडिया वीक्स यहाँ पे अभी 15 पे है ना, मान लीजिए इंडिया वीक्स चल रहा है 19 से लेके 22 तक, इसके बीच में चल रहा है 19, 20, 21, 22, इससे ऊपर भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में बहुत तेजी से वॉलिडिटी आएगी। तो 19, 20, 21, 22 चल रहा है तो यहाँ पे चांस पूरे हैं कि मार्केट 200 पॉइंट नीचे भी कर सकता है और 200 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है, 300 पॉइंट नीचे भी कर सकता है और 300 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है। तो मार्केट में चांस पूरे रहेंगे वॉलिटी के। तो कभी आपने देखा होगा ना मार्केट कभी कभी क्या होता है, 300 पॉइंट गिरा लेकिन कुछ देर बाद में 300 पॉइंट कवर भी कर दिया, क्यों, क्योंकि इंडिया विक्स उस वक्त चल रहा होता है 19, 21, 19, 20, 21, 22, यानी कि 19 प्लस चल रहा होता है इंडिया विक्स। अगर इतने पे चल रहा है तो मार्केट फिर वहाँ पे सारी की चीज़ें, सारी जो आपके होते हैं ना डाउन मार्केट को, वो कवर कर लेता है, ऊपर लेके चले जाता है। यानी कि मार्केट अगर ऊपर चले गया बहुत ज़्यादा 300 पॉइंट तो 300 पॉइंट नीचे गिर भी सकता है, और नीचे चले गया तो 300 पॉइंट ऊपर उठ भी सकता है। तो ये होता है इंडिया विक्स का। तब आपको क्या करना है, अब मार्केट मान लीजिए 39,400 पे, यहाँ पे मैं जैसे कि 39,400 पे चल रहा है, अब मार्केट सुबह मान लीजिए मार्केट 39,700-800 पे था यहाँ पे, अब ये 700-800 पे था, अब मार्केट कितना पॉइंट गिर गया, 400 पॉइंट नीचे गिर गया, 400 पॉइंट मार्केट नीचे गिर गया, 400 पॉइंट नीचे गिर गया 39,800 से मार्केट जो कितने पे आ गया, मार्केट आ गया 39,400 पे। कितना गिर गया यहाँ पे, ये -400 पॉइंट, 400 पॉइंट गिरा। अब ये प्रीमियम देखो कितनी तेजी से यहाँ पे डाउन हुआ है, कितनी तेजी से डाउन हुआ है, अभी 39,400 पे अगर ये प्रीमियम था तो 400 प्लस था, 400 प्लस यहाँ पे 400 पॉइंट गिरा है तो 400 प्लस, ये 400 प्लस यहाँ पे ये प्रीमियम था, 400 प्लस से देखो ये कितना हो गया 50-60% ये प्रीमियम यहाँ पे 60% यहाँ पे ये माइनस में चले गया। अब यहाँ पे मार्केट ये 39,400 पे है और इंडिया विक्स आपका यहाँ पे कितने पे है, 19 से लेके 21 के बीच में इंडिया विक्स। तब आपको क्या करना है, तब आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे 39,500 का प्रीमियम आउट ऑफ द मनी, 39,600 का या फिर 39,700 का भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर 400-500 पे है तो 39,800 का भी आप ले सकते हैं। तब क्या होगा, तब मार्केट में अगर मार्केट उस वक्त नीचे गिरा है, मान लीजिए 300 पॉइंट नीचे गिर गया, अब अगर आपने ये प्रीमियम ले लिया तो 300 पॉइंट नीचे गिरा है ना, तो अब वो 300 पॉइंट को कवर करने में टाइम नहीं लगाएगा या उससे ज़्यादा भी यहाँ पे कवर कर सकता है। तब ये आपका 183 रुपये वाला प्रीमियम है ना, आपने 183 ले लिया आउट ऑफ द मनी का, या मान लीजिए 221 रुपये का प्रीमियम आपने ले लिया, 221 का ले लिया। इंडिया विक्स कितने पे चल रहा था, तब 19, 20, 21, उससे ज़्यादा पे चल रहा था या उसने पे चल रहा था, उस रेंज में चल रहा था, तब 221 रुपये का लिया आपने। और जब ये फास्ट मूव करेगा ना, यानी कि जब मार्केट इंडिया विक्स 19, 20, 21, 22, 23 पे चल रहा होता है तो ये फास्ट मूव करता है, फास्ट मूव 200-300 पॉइंट ऊपर 200-300 पॉइंट नीचे। तब अब तुम इंडिया विक्स इतने पे चल रहा है और मार्केट 200-300 पॉइंट डाउन आ चुका है, तब आप आउट ऑफ द मनी का कॉल ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको जब वो 221 रुपये का प्रीमियम जब आपका 39,300-400 पॉइंट बढ़ेगा तो वो यहाँ पे 368 या 416 यानी कि 400 प्लस यहाँ पे जाएगा, यानी कि आपके पैसे को यहाँ पे वो डबल कर देगा, 2x आपके पैसे को कर देगा, ठीक है, यहाँ पे 2x आपके पैसे को कर देगा तो डबल हो जाएगा। तब आपका स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी का काम करता है जब इंडिया विक्स यहाँ पे 19, 20, 21, 22 पे चल रहा होता है, तभी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम, चाहे आप कॉल में लो या पुट में लो। देखो यहाँ पे मैं आपको कॉल में बता रहा हूँ, उसका मतलब नहीं कि आपको कॉल में ही लेना है, आपको पुट में भी ले सकते हैं, लेकिन पुट में लेने के लिए मार्केट 300 पॉइंट ऊपर भागना चाहिए
उसके बाद में इंडिया विक्स को देखना है कि इंडिया विक्स कितने पे चल रहा है, 15-16 पर है, तब आपको यहाँ पे इंदामनी का प्रीमियम लेके ट्रेड करना है। अगर इंडिया विक्स 19-20-21 पे चल रहा है तो समझ लीजिए अब जितना वो तेजी से ऊपर गया है अब वो उतनी तेजी से डाउन भी आएगा, और जितनी तेजी से नीचे गिरा है उतनी तेजी से वो ऊपर भी जाएगा। तो ये होती है इंडिया विक्स को देखने के बाद आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपको प्रीमियम कौन सा सेलेक्ट करना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया विक्स अगर 15-16 और 12-13 से नीचे है, सॉरी 15 से नीचे है, तो आपको ट्रेड नहीं करना है, साइडवेज मार्केट रहेगा, बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है, शांति से बैठ जाइए, अपना कुछ और काम कर लीजिए। इंडिया विक्स 15-16, 17-18 के बीच में है तब आप इंदामनी का प्रीमियम लीजिए 39,200, 39,300, मतलब मार्केट का आपको पहले प्राइस को देखना है, मार्केट कितने में चल रहा है उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा मार्केट कितने में चल रहा है और इसका इंदामनी का प्रीमियम कौन सा है, तो वो आपको वहाँ मालूम पड़ जाएगा। इंडिया विक्स 19-20-21-22 पे चल रहा है तब आप आउट ऑफ द मनी 200 पॉइंट नीचे का, 300 पॉइंट नीचे का प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस लेके यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि ये फास्ट मूव करेगा, जितनी तेजी से ये प्रीमियम नहीं बढ़ेगा उतनी तेजी से ये बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही डाउन है, बहुत कम प्राइजेस का, जब ये इतने पॉइंट कवर कर लेगा तो ये यहाँ पे डबल भी कर देगा, लेकिन ये जो इंदा मनी वाला प्रीमियम है ना, अगर ये इतने पॉइंट भाग भी गया ना 400 पॉइंट, तो ये आपका डबल नहीं होगा, तो इसमें आपको ज़्यादा 200 पॉइंट का मूव आएगा, 300 का आ जाएगा, लेकिन ये 485 से ये बिल्कुल 1,000 रुपये पे नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर ये 200 वाला आपका 400 भी जा सकता है, 500 भी जा सकता है, तो इसका परसेंटेज ज़्यादा रहेगा जब इंडिया विक्स यहाँ पे ज़्यादा पे है। तो आपको आइडिया हो गया होगा, पता चल गया होगा कि कब आपको स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है, कौन सा सेलेक्ट करना है। सिचुएशन बननी चाहिए, सिचुएशन हमारी बनेगी ना, देखो सिचुएशन बननी चाहिए, सिचुएशन में ही पैसा है। जब तक सिचुएशन को आपको समझ में नहीं आएगा ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है। तो सिचुएशन हमारी बनी इंडिया विक्स को देखकर, इंडिया विक्स आपको बता देता है कि मार्केट में मतलब आज क्या रहने वाला, साइडवेज रहेगा या फिर मार्केट 200 पॉइंट 300 पॉइंट अप डाउन ऐसे रहेगा। तो ऐसे में आपको एक स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना होता है, यहाँ से आपको कॉल लेना होता है आउट ऑफ द मनी का, यहाँ तक के लिए प्रॉफिट, और अगर मार्केट यहाँ पे पहुँच गया यहाँ से आपको पुट लेना है आउट ऑफ द मनी का और यहाँ तक का प्रॉफिट। तो इंडिया विक्स इतने पे मतलब 20-21-22 पे चल रहा है, 19-20-21-22 पे चल रहा है, तब वोलेटिलिटी ज़्यादा है मार्केट में, 15-16 पे है तो आपको इंदा मनी लेना है, और 12-13 पे है, 14 पे है, तब मार्केट साइडवेज रहेगा, तब आपको ट्रेड ही नहीं करना है। देखो मार्केट जब साइडवेज रहेगा तो आपको ट्रेड ही नहीं करना है, ये इतने में घूम रहा है, आपका प्रीमियम डिके हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, और आपकी कौन सी गलतियाँ थी जो मैंने आपको बता दी हैं कि आप आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम कब लेते हैं जिससे आपको लॉस हो जाता है। तो आपको अब ये तो क्लियर हो चुका है कि आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम कब काम करेगा और इन द मनी का प्रीमियम कब काम करेगा, यानी कब प्रॉफिट देगा। तो ये आपको क्लियर हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और हमारे लिंक से अपना डीमैट अकाउंट जरूर खोल लेना।